Good morning, students. Myself Shiva Murara from Silver Bells Mansur, Palampur. Today I am here for unit number 1, the world around us of class 7, part 2. अब स्टूडेंट्स, हमने पार्ट वन में क्या देखा? पार्ट वन में हमने मैंने आपको एक यहाँ पे आपको एक पजल दी थी जो आपको यहाँ पे सॉल्व करनी थी. ओके, आपने आई थिंक सो इसका आंसर अभी तक तो लिख ही दिया होगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर. उसके बाद हमने सेकंड पार्ट देखा था जो एक्टिविटी 2 थी हमारी, सेव वाटर सेव लाइफ एंड द सेव द वर्ल्ड. ये पोस्टर था एक, और उसके बाद में वाटर ह्यूमंस के लिए किस तरीके से यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल एंड प्लांट्स के लिए, वाटर फॉर इंडस्ट्रीज एंड पावर प्रोडक्शन के लिए किस तरीके से यूज होता है वो, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था. साथ ही साथ हमने एक्टिविटी 3 है जो हमारा मैच द फॉलोइंग का टेबल था वो देखा था हमने. उसके बाद जो हमारी एक एक्टिविटी थी, ये कौन कौन सी चीजें वाटर का मिसयूज और वो यूज कौन सा हमें करना चाहिए, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको एक्टिविटी होमवर्क में दी थी. उसके बाद की ये थी हमारी जो डेली पार्टनर एक्टिविटीज, मीन्स आपकी जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी थी आप कौन सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होती है वो चीज भी आपको मैंने होमवर्क में दी थी. ओके, अब इसके बाद आज जो हम एक्टिविटी देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो एक्टिविटी ये है, आपको यहाँ पे देखना मिल रहा होगा यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 8, अवर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी है जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है वो सारी चीजें यहाँ पे दिए गई है. हियर आर द सम स्टेप्स दैट कैन बी हेल्प अस इन द सेविंग द एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए जिससे हम क्या एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. रीड देम केयरफुली एंड डिवाइड देम इनटू द 4 पार्ट्स. अब आपको इनको रीड करना है और डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है स्टूडेंट्स. जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एट होम, सेकंड इन द किचन, थर्ड एट द स्कूल और वाइल ट्रेवलिंग. अब आपको यहाँ पे 10 पार्ट्स दिए, आपको 10 पार्ट्स आपको कहाँ कहाँ डिवाइड करने हैं, कहाँ कहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स, वो आपके हिसाब से आपको होमवर्क में करना है. और आपको किस तरीके से स्टोर करना है, थिंग्स आई कैन डू टू सेव एनर्जी. आपको ये चीज ऐसे थिंग्स जिससे आप एनर्जी सेव कर सको. आप होम पे कहाँ एनर्जी सेव कर सकते हो, इन द किचन के अंदर सेव एनर्जी कहाँ कर सकते हो, एट द स्कूल के अंदर एनर्जी कहाँ सेव कर सकते हो, वाइल ट्रेवलिंग के अंदर कहाँ सेव कर सकते हो, वो चीजें आपको यहाँ पे इसके ये जो आपको 10 दी गई है लाइन्स उसमें से आपको यहाँ पे अंदर क्लासिफाई करनी है. ओके, अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारी जो एक्टिविटी 9 है, वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट. आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे चॉकलेट्स तो सबको पसंद ही होगी. सबको, छोटा बच्चा हो या बड़े बच्चे हो, सबको चॉकलेट तो खाना पसंद ही होता है. ओके, अब हम देखें इट गुड हैपन, क्या यह पॉसिबल है? क्या स्टूडेंट आपको लगता है कि वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ पे क्या बोला गया ऑथर ने, इट गुड हैपन, हाँ ये पॉसिबल है. वो कैसे पॉसिबल है? चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम द कोको. चॉकलेट किससे बनती है? कोको से बनती है, विच ग्रोज ऑन द कोको ट्रीज. और ये कहां से ग्रो होती? कोको ट्रीज से ग्रो होती है. दैट आर कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. और ये वो कहां पे कल्टिवेट होते हैं, मीन्स कहां पे उगते हैं? साउथ अमेरिका के अंदर कोको ट्रीज उगते हैं. बट टूडे देयर प्लांटेशन आर एट रिस्क. अब जो आज के टाइम में बेटा जो उनका प्लांटेशन है वो क्या है? एट अ रिस्क, मीन्स बहुत ही रिस्क है उनपे. लाइक कोकोस, देर आर मेनी अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पाइसेस दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस. अब बेटा ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्पाइसेस है, जैसे कि हम कोको का तो यूज करते ही करते, साथ ही साथ दूसरे स्पाइसेस का भी यूज करते हैं. जैसे आप घर पे आपकी मम्मी लोग तुलसी के पत्ते आते हैं वो जो चाय में डालने के लिए या कोई खाने में डालने के लिए लेता है, ये भी बहुत है. जैसे अपने वो कड़ी पत्ता, जो नीम आता, मीठा नीम बोलते हैं वो, कड़ी पत्ता बोलते हो ना जो कड़ी में डालने के लिए, ये सारे भी एक स्पाइसेस है जिसमें आप आपके फूड के अंदर भी आप खा सकते हो. जैसे उस तरीके से द राइस वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर, द रबर टायर्स वी ड्राइव ऑन, ऑल द ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल्स. अब स्टूडेंट्स, जो हम राइस खाते हैं वो, जो क्लोथ्स हम जो पहनते हैं वो, और जो रबर टायर जो हम जो चलते हैं जो ड्राइविंग के लिए यूज होता है वो, ये सारे की सारी कहां से चीजें बनती है? प्लांट्स या एनिमल्स में से ही बनती है. मेनी ऑफ द स्पाइसेस आर अंडर सॉल्व द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. अब बहुत सारे स्पाइसेस है इसमें से ऐसे कि जो आज एक्सटिंक्शन पे जो खड़े है, मीन्स के अभी तो हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी जो प्लांटेशन क्या होगी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उस टाइम पे हमें ये सारी चीजें मिलेगी नहीं. ओके, इट मींस वी आर लूजिंग अ बायोडायवर्सिटी. अब हम क्या यूज करें, हमें इसका मतलब क्या है? हम हमारी बायोडायवर्सिटी यूज कर रहे हैं हमारी.
द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेड ऑफ द टू डिफरेंट वर्ड्स। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी किस में बटी हुई है बेटा, टू वर्ड्स में बटी गई है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। अब बायो मीन्स क्या है, हमारी लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स क्या है, हमारी वेराइटी। बायो मीन्स जो हम लाइफ जी रहे वो, और डाइवर्सिटी मीन्स जो हमारी लाइफ के अंदर अलग अलग हमें वेराइटीज चाहिए होती है। इसलिए द वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ द लाइफ अराउंड अस एंड मच मोर। अब वेरिएशंस बेटा, आपको पता है वेरिएशंस तो हमें चाहिए आपकी लाइफ में। आपको रोज वेरिएशंस चाहिए होते हैं क्या? आपकी मम्मी आपको रोज आलू दे तो आप खा सकते हो? नहीं, ऑब्वियस चीज है कि कोई खा सकता है नहीं। तो हमें क्या चाहिए होता है? रोज अलग अलग सब्जियां चाहिए। उसके वजह से ही जैसे आपको एक ही कपड़े दिए जाए पूरे वीक तक पहन सकते हो? नहीं, आपको कपड़े भी रोज रोज अलग चाहिए। तो इसी तरह से बोल रहे हमारे लिए वेरिएशंस क्या जरूरी है। इट ऑल्सो एवरीथिंग दैट लाइफ थिंग्स डू and the grand total of the interaction of the living things among themselves and with their environment. अब ये जो everything हम life में जो जीते हैं बेटा, जो सारी सारी related किससे है? हमारी environment से related ही है। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी things है तो हमारे को natural resource के through ही मिली हुई है। आपको कोई भी चीज जैसे furniture देख लो, तो furniture कहाँ से आता है बेटा? trees को cut होके ही आता है। तो इस तरीके से अगर हम जितना ही इनका सेविंग करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। एट अनदर दिस इंटरेक्शन कैन बी ए सिंपल एज द मोर डिपेंडेंस ऑन द वन स्पाइसिस ऑफ द प्लांट फॉर द फूड एंड द प्लांट्स डिपेंड ऑन द मूड फॉर द पॉलिनेशन। अब अगर ये इंटरेक्शन है जो हमारे बेटा हमारे बीच में, ये क्या इजी हो सकता है? आप इसका यूज कम कर सकते हो, बट किस तरीके से? जैसे कि उसने एग्जांपल बताया कि जो एक मोथ होता है, जो एक छोटा सा मच्छर होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली एक ही प्लांट के, एक ही लीव्स के ऊपर डिपेंड है। वो ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट पे जाके अलग अलग खाना अपना ढूंढता है। वो एक ही प्लांट पे, एक ही लीव्स के ऊपर अपना खाता है, उसी से जब तक वो प्रॉब्लम पूरा नहीं होता तब तक वो उसी फिनिश करता है। बट हमें क्या है कि नहीं, ये आया है चलो ये अभी आज ये करा, कोई खाना खाया नहीं, अभी इसको छोड़ दो, चलो इसको नहीं खाना, अब दूसरा खाएंगे, अब अगले दिन हम कुछ अलग खाएंगे। उसके वजह से क्या होता है, आपको जितना यूज हो उतना ही लो, कोई भी चीज का वेस्ट मत करो। एंड अनदर लेवल द मूथ एंड द प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑल द एलिमेंट्स दैट मेक अप देयर इकोसिस्टम फ्रॉम क्लीन वाटर टू द राइट क्लाइमेट। अब उसी के वजह से यहाँ पे अनदर लेवल पे हमारा जो मूथ एंड द प्लांट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड, जो एलिमेंट्स है वो क्या बनाते हैं, जो मेकअप देयर इको, जो अपने उसकी इकोसिस्टम बनाते हैं, साथ ही साथ फ्रॉम क्लीन वाटर टू राइट क्लाइमेट, और क्लीन वाटर से लेकर राइट क्लाइमेट तक, अगर वाटर भी क्लीन होगा तो हमारा क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, व्हेन साइंटिस्ट टॉक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जब साइंटिस्ट भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं, दे रिफर टू अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइव इन एन एनवायरमेंट। अब वो सब उसका जो मेन टॉपिक होता है साइंटिस्ट का, वो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या चाहिए, वेराइटी चाहिए एनवायरमेंट के अंदर। एंड दे रिफर टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स एंड द ह्यूमन लाइफ। और वो इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि एक और एक चीज डिपेंड है, जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स और ह्यूमन लाइफ, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक बोलते हैं ना चेन चलती, जो फूड चेन, उस तरीके से इनकी भी एक चेन है जो कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स, ओके, ये स्टूडेंट्स था हमारा वर्ल्ड विद आउट चॉकलेट वाला पार्ट। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दी गई है सजेशन फॉर ये विच ऑफ दिस एक्टिविटीज अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, लिस्ट एनी थ्री एंड नोट देयर अफेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, आपको इंटरनेट का यूज कर सकते हो और आपको यहाँ पे चीज फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी, विच ऑफ द एक्टिविटीज अफेक्टेड बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन सी चीजें बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट करती है, उसके आपको तीन एक्टिविटी बतानी है उसकी। ओके, और उसका क्या इफेक्ट है, वो तीन एक्टिविटी और उसका क्या तीन अफेक्ट है, वो आपको चीजें बतानी है। उसके बाद है सजेशन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपको कौन कौन सी चीजें बायोडाइवर्सिटी में करनी चाहिए डस, और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, वो चीजें भी आपको यहाँ पे बतानी है स्टूडेंट्स। ओके, ये भी आपका एक्टिविटी होमवर्क में है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।